So good morning student, it is video number 5 of chapter Is Matter Around Us Pure class 9th, and today we discuss different separation technique. So first of all we start, the first technique name is the separating funnel. Separating funnel is used to separate the two immiscible liquids. Immiscible liquids means aise liquid jo aapas mein mix na ho. Immiscible liquids means ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स ना हो. जैसे जैसे आप वाटर के अंदर ऑयल डाल दो तो चाहे आप कितना मर्जी स्टीर कर लो बट ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होंगे, वो अलग अलग हमें नजर आएंगे. समझ में आ रही बात? तो जो सेपरेटिंग फनल होती है, इट इज ए डिवाइस और इट इज ए अपरेटस विच इज यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स. इमिसिबल लिक्विड्स मतलब जो आपस में मिक्स ना हो, मतलब ऐसे दो लिक्विड जिनकी डेंसिटी अलग है, एक की डेंसिटी ज्यादा है एक की डेंसिटी कम है. तो जब ऐसे दो लिक्विड आपस में मिक्स होंगे तो हम उनको सेपरेट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? सेपरेटिंग फनल. इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर. हम आयरन को ओर से अगर निकालना चाहते हैं तो हमें सेपरेटिंग फनल का यूज करना पड़ेगा. ऑयल को अगर वाटर से आप अलग करना चाहते हो तो हमें सेपरेटिंग फनल का यूज करना पड़ेगा. समझ में आ रही है बात आपको? मान लो आप गलती से एक वाटर के अंदर ऑयल मिक्स हो गया और आप उसको अलग करना चाहते हो तो कौन सा डिवाइस आप यूज करोगे? सेपरेटिंग फनल. तो मैंने यहाँ पर ये सेपरेटिंग फनल बनाने की कोशिश की है. हमारे स्कूल में केमिस्ट्री लैब में ये अवेलेबल भी है और जब भी लॉकडाउन के बाद स्कूल ओपन होंगे तो हम ये जरूर एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. तो ये सेपरेटिंग फनल की शेप आपको नजर आ रही है. तो इस सेपरेटिंग फनल में हम क्या करेंगे, ये आप ध्यान से देखो, ऊपर से ब्रॉड है बट नीचे से जो इसकी ओपनिंग है ये नैरो है और यहाँ पर एक स्टॉप कॉक लगी है, मतलब इसको बंद करने के लिए एक स्टॉप कॉक यहाँ पर मेंशन है. तो हम क्या करेंगे, उन दो लिक्विड को जो हमें अलग करने हैं उनको पहले इसके अंदर ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे, अच्छे से स्टीर कर देंगे ताकि वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं. फिर इस सेपरेटिंग फनल को हम कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्बली रख देंगे ताकि ये हिले ना, ऐसी पोजीशन में हम इसको रख देंगे. तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो दो लिक्विड थे उनमें से जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे बैठता चला जाएगा, नीचे सेटल डाउन होता चला जाएगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर होगी. तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया है वो वाटर और कैल्शियम ऑयल का लिया है. तो वाटर और कैल्शियम ऑयल में से वाटर जो है वो हाई डेंस है, जो वाटर है वो डेंस है और ये जो केरोसिन ऑयल है वो लेस डेंस है, कम डेंस है. तो नीचे कौन आएगा? वाटर. तो थोड़ी देर के बाद 15 या 20 मिनट के बाद क्या होगा, वाटर जो है वो नीचे आ जाएगा, एक लेयर बन जाएगी वाटर की और एक दूसरी उसके ऊपर लेयर बन जाएगी केरोसिन ऑयल की. फिर हम क्या करेंगे, स्टॉप कॉक को ओपन करना शुरू कर देंगे. तो यहां से धीरे धीरे वो वाटर आना स्टार्ट हो जाएगा, ये ओपनिंग काफी ज्यादा नैरो होगी तो यहां से वाटर काफी स्लोली नीचे आएगा. तो हम यहाँ कोई कंटेनर रख के वाटर को कलेक्ट करते चले जाएंगे. जैसे जैसे वाटर नीचे आता चला जाएगा वैसे वैसे केरोसिन ऑयल भी नीचे आता चला जाएगा और जैसे ही कंप्लीट वाटर हम कंटेनर में अलग निकाल देंगे फिर से हम स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे, इस ओपनिंग को बंद कर देंगे. तो फिर हमारा इस सेपरेटिंग फनल में क्या रह जाएगा, सिर्फ ऑयल और कंटेनर में क्या निकल जाएगा, वाटर. तो इस प्रकार हमने वाटर और केरोसिन ऑयल को अलग कर दिया. अब दूसरे इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि क्या सिर्फ हम दो ही लिक्विड इमिसिबल लिक्विड को अलग कर सकते हैं? नहीं, आपके पास चाहे तीन हो चाहे चार हो चाहे पांच इमिसिबल लिक्विड आपस में मिक्स कर लीजिए, हम पांच के पांच को अलग कर सकते हैं. जब हम मान लो दो, हम तीन या चार इमिसिबल आपस में लिक्विड लेंगे तो तीन या चार लेयर अलग अलग बन जाएगी, जो सबसे ज्यादा डेंस होगा वो नीचे, फिर उससे कम डेंस, फिर उससे कम डेंस. तो फिर से हम क्या करेंगे, ओपनिंग को ओपन करके धीरे धीरे पहले एक कंटेनर में सबसे ज्यादा डेंस वाले को निकाल लेंगे, फिर दूसरा कंटेनर लेके आएंगे उसमें दूसरे लिक्विड को निकाल लेंगे और तीसरा जो लिक्विड होगा वो इसमें बच जाएगा. तो हम तीन को भी सेपरेट कर सकते हैं, चार को भी सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल. तो सेपरेटिंग फनल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट लिक्विड have different densities. I hope ये आपको समझ में आ गया होगा. इसकी ये opening narrow क्यों है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा broad क्यों नहीं है? Broad होगी तो क्या होगा, जैसे हम इसको open करेंगे तो ये water एकदम से flow करेगा और शायद kerosene oil भी इसके साथ निकल जाए. तो इसलिए इसको काफी narrow रखा जाता है ताकि water धीरे धीरे से और complete सिर्फ water ही निकले और kerosene oil इसी में रह जाए. I hope ये आपको समझ में आ गया होगा. Second जो method है उसको बोलते हैं हम distillation. डिस्टिलेशन काम आता है टू सेपरेट द टू मिसिबल लिक्विड्स. दो मिसिबल लिक्विड्स को ये आपस में, जब दो मिसिबल लिक्विड मतलब जो आपस में पूरी तरह से मिक्स हो जाएं, अलग अलग हमें नजर ना आए, उसको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड. जैसे मिल्क, अब मिल्क के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है बट आप नहीं बता सकते कि मिल्क कहाँ है, वाटर कहाँ है ना, तो वो
मिसिबल लिक्विड्स हैं। तो दो मिसिबल लिक्विड हो तो हम क्या यूज करते हैं, डिस्टिलेशन। बट अगर दो इनमिसिबल लिक्विड हो तो हम क्या यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल। तो इसमें इसका एग्जांपल लिखा है, जैसे हम बेंजीन और टोलुइन को आपस में मिक्स कर दें, फिर अलग करना पड़े तो हम कैसे अलग करेंगे। तो देखो, ये जो दोनों बेंजीन और जो ये टोलुइन है, ये दोनों हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हैं। बेंजीन का अगर मैं फार्मूला लिखूं तो फार्मूला होता है C6H6। सो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 और टोलुइन का फार्मूला होता है C7H8। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बेंजीन का बात करें तो वो 80 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो टोलुइन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। हालांकि पॉइंट्स में होता है बट हम अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं। तो बेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम, और टोलुइन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा। और अगर मैं बात करूं तो बेंजीन को हम ऐसे दिखाते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है दिखाने का, और ये डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है ये डबल बॉन्ड, ये टॉपिक आपको तब समझ में आएगा जब हम 10th क्लास में कंप्लीट करेंगे। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हो तो जरूर इस पर ध्यान देना, नहीं तो बस आप सिर्फ एग्जांपल याद रखना। और जो टोलुइन का एग्जांपल, जो टोलुइन का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो ऐसा बनाते हैं कुछ, ये ऐसे, और यहां पर लगा देते हैं CH3। तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बताया, फॉर्मूला बताया, दोनों हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो फॉर्मूला C6H6 होता है। ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है ये इस फिनोमिना पे वर्क करता है कि जो दो मिसिबल लिक्विड आपस में मिक्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। तो क्या करते हैं हम, उन दोनों को, जैसे अभी हमारे एग्जाम्पल में बेंजीन और टोलुइन हमने लिया, इस बीकर में हम इसको रख लेंगे, मिक्स कर देंगे दोनों को। इसको बोलते हैं डिस्टिलिंग फ्लास्क। क्या बोलते हैं, डिस्टिलिंग फ्लास्क। फिर नीचे एक बर्नर लगा के हम इसको हीट करना शुरू कर देंगे। अब इसमें दोनों है, कौन, टोलुइन भी है, बेंजीन भी है, तो दोनों हीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट पहले वेपोराइजेशन किसका होना शुरू होगा, वेपर में कौन कन्वर्ट शुरू होगा पहले, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है, बेंजीन का। तो बेंजीन पहले वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहां से वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर यहां से हमने ये एक ग्लास की पाइप लगा रखी है और इसको बोलते हैं हम कंडेंसर। क्या बोलते हैं, कंडेंसर। कंडेंसर मतलब जो वेपर्स को कंडेंस करे, कूल करे, ठंडा करे, ताकि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। याद रखना, अगर हम वाटर को हीट अप करते हैं तो क्या बनता है, वेपर, और अगर वेपर को हम कूल कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वाटर। तो जब ये वेपर यहां से चल के आएंगे तो ये जो कंडेंसर है ये एक स्पेशल टाइप का है। क्या है कि ये कांच की पाइप है और उसके फर्दर अंदर एक पाइप गई हुई है, ये आपको नजर आ रही हो, देखिए रेड कलर की, इसके अंदर से पाइप गई हुई है। यहाँ पे एक इनलेट है जिसकी हेल्प से यहाँ पर हम ठंडा पानी भेजेंगे, कूल वाटर आएगा, और फिर जब वो पानी यूज हो जाएगा तो वो वापस यहाँ से वाटर आउट हो जाएगा। तो जैसे ही वो वेपर्स यहाँ पर पहुंचेंगे इसके बीच में, तो यहाँ से हम वाटर पास कराएंगे कूल। तो जैसे ही कूल आएगा ये इस पाइप को कूल करेगा, पाइप कूल होगा तो जो पाइप के अंदर वेपर्स हैं किसके, बेंजीन के, तो वो कूल होंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में, तो वो यहाँ पर फ्लास्क में इकट्ठे होते चले जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जो टोलुइन और बेंजीन मिक्स थे, कुछ टाइम के बाद फिर से वेपर्स बनेंगे, फिर से हम ठंडा पानी यहाँ से डालेंगे, वो कूल होंगे, कंडेंस होंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आएंगे, लिक्विड फॉर्म में यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, तो बेंजीन यहाँ पर आ जाएगा और टोलुइन यहाँ पर रह जाएगा। ये क्यों वर्क कर पाया, क्योंकि जो दो मिसिबल लिक्विड हमने मिक्स किए थे उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट था। बॉइलिंग पॉइंट समझ रहे हो ना, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉइल करना शुरू कर दे। तो देखो, टोलुइन का बॉइलिंग पॉइंट है 110 डिग्री सेल्सियस और बेंजीन का है 80 डिग्री सेल्सियस। तो पहले कौन बॉइल होना स्टार्ट करेगा, बेंजीन। तो बेंजीन पहले बॉइल होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होगा, वो वेपर जब कंडेंसर से निकलेंगे तो हम यहां से कूल पानी वाटर को ऐड करेंगे, वो कूल वाटर इस पाइप को कूल करेंगे, पाइप के अंदर वेपर से तो वो कूल होंगे, वो कंडेंस होंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, वो लिक्विड हम एक रिसीविंग टैंक में कलेक्ट कर लेंगे, और इस प्रकार हमने दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग कर लिया। आई होप ये दो सेपरेटिंग टेक्निक आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें हम कुछ और डिफरेंट टेक्निक्स को पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।